हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, टाइगर 3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट के मुताबिक मेकर्स फिल्म के टीजर को इस साल रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले खबरें थी कि सलमान और कैटरीना ऑस्ट्रिया में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें देश के अंधे के हिस्सों में कुछ एक्शन सीक्वेंस शामिल हैं। फिल्म एक्शन सीन्स ऑस्ट्रिया, साजल कैमरगेट, डस्टिन साल कैमरगेट और वियना जैसी लोकेशंस पर शूट किए जाएंगे। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स सलमान, कैटरीना और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 के टीजर को क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। नंबर 2, एक्ट्रेस तापसी पन्नू लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म रश्मि रॉकेट को लेकर चर्चा में हैं। अब हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म दशहरा के अवसर पर 15 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी तापसी पन्नू ने खुद फिल्म का पोस्टर शेयर कर फैंस को दी। नंबर 3, दिग्गज म्यूजिशियन और गायक बप्पी लहरी को अपनी सेहत का सच बताने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा। हाल ही में कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें सामने आई कि बप्पी लहरी की सेहत खराब है और उन्होंने अपनी आवाज खो दी, जिसके बाद अब बप्पी लहरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन खबरों को खारिज किया। बप्पी दा ने लिखा, ये जानकर दुख हो रहा है कि कुछ मीडिया हाउस में मेरी सेहत और आवाज को लेकर गलत खबरें आईं। मेरे फैंस और मेरा अच्छा चाहने वालों की दुआओं से मैं अच्छा हूं। नंबर 4, पोर्नोग्राफिक केस में 19 जुलाई को जेल में बंद राज कुंद्रा को सोमवार यानी 20 सितंबर को बड़ी राहत मिली। मुंबई की सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते। वहीं पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया। उनका ये पोस्ट काफी चर्चाओं में है। शिल्पा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है, इंद्रधनुष ये साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। नंबर 5, बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ हाल ही में डांस दीवाने 3 में स्पेशल गेस्ट के रूप में दिखी और अपनी प्रेजेंस के दौरान नेहा ने कहा कि उन्होंने और उनके पति रोहनप्रीत सिंह ने अभी तक एक फैमिली शुरू करने के बारे में प्लानिंग नहीं की है। दरअसल नेहा अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर चर्चाओं में है। कुछ समय पहले नेहा ने अचानक इंडियन आइडल 11 से ब्रेक ले लिया था, जिसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि नेहा प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने शो से ब्रेक लिया। हालांकि नेहा ने प्रेगनेंसी की खबरों को ब्रेक लगाते हुए कहा है कि फिलहाल वो और रोहनप्रीत बेबी प्लान नहीं कर रहे। नंबर 6, अक्षय कुमार, कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन बच्चन पांडे की शूटिंग पूरी की है और सबसे हालिया जानकारी के मुताबिक नडियाडवाला का इरादा 26 जनवरी 2022 को फिल्म की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए दिवाली से पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग है। हालांकि बच्चन पांडे के ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है। नंबर 7, एक्ट्रेस और क्लाइमेट वॉरियर भूमि पडनेकर को न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के लिए इन्वाइट किया गया है। क्लाइमेट ग्रुप की इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिव्या शर्मा ने कहा, भूमि पडनेकर को क्लाइमेट वीक एंड वॉयसी 2021 में इनवाइट करके हम बेहद खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि क्लाइमेट वीक दुनिया भर में जलवायु से संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और एक टैलेंट आर्टिस्ट होने के साथ साथ भूमि पडनेकर एनवायरमेंट फ्रेंडली की प्रबल परोकार रही है। नंबर 8, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पंचगनी के रास्ते कहीं जा रहे हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस रास्ते जाना है। तभी एक पुलिस वाला कार्तिक की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो मदद से पहले कार्तिक के साथ सेल्फी क्लिक करता है। ये देखकर कार्तिक भी हंस पड़ते हैं। पुलिस वाला उनसे चश्मा हटाकर सेल्फी क्लिक करने की भी बात करता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नंबर 9, करीना कपूर खान आज यानी 21 सितंबर को मालदीव्स में अपना 41 बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करीना ने अपने बर्थडे को खास बनाने के लिए पहले ही पति सैफ अली खान और दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ मालदीव्स की ट्रिप फाइनल कर ली थी और अब करीना ने सैफ के साथ एक बड़ी ही रोमांटिक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसी के साथ करीना ने और भी पिक्चर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। एंड नंबर 10, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों टैक्स चोरी के आरोपों में घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि IT के अधिकारियों ने सोनू पर 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। वहीं अब इस मामले पर सोनू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे 2 बार राज्यसभा सीट का ऑफर मिल चुका है। इस इंटरव्यू में सोनू कहते हैं, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, फिर भी टैक्स अधिकारियों ने मुझसे लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की। उस पूछताछ में उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने उनके सही सही जवाब दे दिए। जो भी पेपर चाहिए थे वो भी मैंने उन्हें दे दिए। सोनू ने आगे कहा कि उन्हें 2 पार्टियों की तरफ से राज्यसभा की सीट का ऑफर मिल चुका है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।